हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लांट की कई सारी वैरायटी दिखाने वाला हूं जो एक फ्लावरिंग प्लांट है और जिसको आप गमलों में और अपने बागीचों में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो। इस फूलों में से काफ़ी अच्छी सुगंध भी आती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ चंपा प्लांट के बारे में। जो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे प्लांट्स दिख रहे हैं, ये सभी चंपा के प्लांट्स हैं और चंपा के काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। इतनी सारी वैरायटीज़ शायद ही आपने किसी वीडियो में एक साथ देखी हो। इसमें आज मैं आपको कुछ रेयरेस्ट वैरायटी भी दिखाने वाला हूँ। जो चंपा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप कंटिन्यूसली एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी नॉलेज मिल पाए चंपा प्लांट के बारे में, कितनी इसकी वैरायटी होती है, किस वैरायटी की क्या खासियत है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मिलती रहे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 7 तरीके की चंपा दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लूमेरिया चंपा से। तो ये वाला पौधा जो है, ये है प्लूमेरिया येल्लो चंपा। तो ये जो प्लूमेरिया चंपा है, उसमें एक 3 कलर हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला येल्लो, वाइट और रेड। जो प्लूमेरिया चंपा का येल्लो कलर है, वो बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट प्लांट है, मतलब बहुत कम देखने के लिए मिलता है, सभी नर्सरी पर नहीं मिल पाता। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो येल्लो कलर के आते हैं और इसके ऊपर इसकी जो लीव्स हैं, वो इसकी लीव्स ये थोड़ी लंबी होती हैं। तो आप इसकी लीव से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो प्लूमेरिया वाइट और प्लूमेरिया येल्लो चंपा को। सबसे ज़्यादा हमें जो घरों में देखने के लिए मिलता है वो है ये वाला प्लांट। ये है प्लूमेरिया चंपा की वाइट वाली वेराइटी। अक्सर आपको हर नर्सरी में, हर गार्डन में, हर किसी के बागीचे में देखने के लिए मिल जाएगी। ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है प्लांट। इसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, आप इसकी लीव्स देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके की होती है, थोड़ी पूरी राउंड शेप की होती है, थोड़ी ओवल शेप की होती है। अब हम बात करते हैं थर्ड चंपा के बारे में, जो कि प्लूमेरिया चंपा है और ये सबसे ज़्यादा रेयर चंपा है। इसके ऊपर रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो अभी तो इसके ऊपर फ्लावर नहीं आ रहे हैं क्योंकि छोटी सी ही कटिंग है। इसकी जो फोटो है आपको साइड में वीडियो में देखने के लिए मिल रही होगी। तो सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट प्लांट होता है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली प्लांट भी होता है। छोटे से प्लांट ही आपको 250 से 300 रुपये का मिलेगा और बड़ा प्लांट अगर आप लेने जाओगे तो और भी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा और आपको नर्सरी पर कम भी देखने के लिए मिलेगा। तो और इसकी आप पत्ती देख सकते हो, ये प्लूमेरिया चंपा की तरह बड़े साइज़ की ही होती हैं लेकिन लंबी होती हैं। तो ये तीनों जो प्लूमेरिया चंपा है, आप इनकी लीव से इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब हम चौथे तरह की चंपा देखते हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशबू होती है। तो आप यहाँ पे एक चंपा के ऊपर ये फ्लावर दिख रहा होगा काफ़ी देर से। तो ये देखो, ये है गंधराज चंपा। तो जो गंधराज चंपा होती है, इसके जो पत्तियाँ होती हैं ये काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती हैं और बाकी चंपा की तरह ये प्लांट मतलब काफ़ी हार्ड ही नहीं होता, काफ़ी देखने में छोटा सा लगता है। लेकिन इसके ऊपर जो फ्लावर है, वो फ्लावर काफ़ी सारे आ जाते हैं और सभी फ्लावर में काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। तो अगर आप चंपा की कोई ऐसी वैरायटी ढूंढ रहे हो जिसमें सबसे ज़्यादा खुशबू हो, तो आप गंधराज चंपा को सिलेक्ट कर सकते हो अपने घर और अपने गार्डन के लिए। तो दोस्तों, अब हम फिफ्थ चंपा का प्लांट देखते हैं जो कि है नाग चंपा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस प्लांट का नाम आखिर नाग चंपा क्यों है। तो आप इसके लीव्स देखिए, ये जो इसकी लीफ है, आपको इसकी लीफ नाग की तरह लग रही होगी, जैसे नाग का फन होता है, तो इसलिए इस प्लांट का नाम नाग चंपा पड़ चुका है। तो ये प्लांट भी काफ़ी अच्छा होता है, इसके ऊपर भी वाइट कलर के फ्लावर्स ही आते हैं। इसको भी हम अपने गार्डन में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, हम इसको पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, हम इसको ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हैं, हर जगह बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। सिक्स चंपा देखते हैं जो कि है कटहल चंपा। और इस प्लांट को कटहल चंपा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे जो कटहल का प्लांट होता है, सेम उसकी तरह ही इसके पत्ते होते हैं। जैसे कटहल के पत्ते होते हैं, वैसे ही इसके पत्ते हैं। अगर आपने कभी कटहल का प्लांट देखा होगा या फिर आपने कटहल के प्लांट अपने घर में लगा रखे होंगे, तो आप इजीली इसमें देख सकते हो कि इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल कटहल की तरह लग रहे हैं। इस वक्त इसलिए इसका नाम कटहल चंपा है। ये है हमारी गार्डेनिया चंपा। और गाइस, इस गार्डेनिया चंपा के बारे में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अगर आपको एक ऐसा प्लांट चाहिए चंपा में जो 70 से 80 फीट तक का जाए, तो आप ये गार्डेनिया चंपा लगा सकते हो। ये प्लांट 70 से 80 फीट तक का हो जाता है और जो बाकी चंपाएँ ये ज़्यादा लंबे नहीं होते, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं फैलते। और दोस्तों, जो सभी चंपाएँ के अंदर से काफ़ी अच्छी अच्छी सी खुशबू आती है, जब आप इनको अपने गार्डन में लगाओगे, अपने घर में लगाओगे, तो आपके पूरे गार्डन को महका देंगे। मतलब ये 2-3 प्लांट अगर आपके गार्डन में लगे होंगे तो आपका गार्डन पूरा महक उठेगा। शाम को जैसे ही ठंडी ठंडी हवा चलने लगेगी तो इन फ्लावर्स की जो खुशबू है वो हवा के साथ मिक्स होकर आपके पूरे गार्डन को काफ़ी अच्छा बना देगी। और अगर आपको सबसे तेज़, मतलब ऐसी कोई चंपा ढूंढ रहे हो आप, उसमें सबसे ज़्यादा खुशबू आपको मिले, तो आप गार्डेनिया चंपा लगाइए। अगर आपको रेयरेस्ट चंपा लगानी है अपने घर में, तो आप प्लूमेरिया रेड वाली वैरायटी लगाइए। अगर आप एक ऐसी चंपा ढूंढ रहे हैं जो 70 से 80 फीट तक जाए, तो आप गार्डेनिया चंपा लगा सकते हो। और आपको सारी चंपा लगानी है तो आप सारी चंपा लगा सकते हो। चंपा में और भी 2-3 वैरायटीज़ हैं जो आती हैं, तो अभी वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि अभी वो अवेलेबल नहीं है इस नर्सरी पर।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और गाइज अगर आप भी देहरादून से हो या फिर आसपास से हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में अपना एड्रेस ज़रूर मेंशन कीजिए। और अगर आपके पास भी एक अच्छा सा गार्डन है तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपके गार्डन में आके वीडियो ज़रूर शूट करूँगा। तो गाइज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। पेड़ पौधे लगाते रहिए, धरती को हरा भरा बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।